विधानसभा फतेहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी होतम सिंह निषाद ने रविवार को क्षेत्र के गांव में ताबड़तोड़ प्रचार कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही कहा कि भाजपा ने विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसका जवाब जनता चुनावों में देगी। इस दौरान उन्होंने एक दर्जन से अधिक गांव में जनसंपर्क कर अपने लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि यहां पर एक ही पार्टी के विधायक रहे मगर विकास की ओर कतई ध्यान नहीं दिया, अब विधायक को बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने लोगों से विकास के लिए कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। आज बदलाव की लहर है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, इन तीनों पार्टियों से लोग दुखी हो चुके हैं पूरी तरह से। इन्होंने जब से यहाँ पर कांग्रेस के जब विधायकों ने पहले जो काम अपना देखा था, उन्होंने अपने इस क्षेत्र को देखा था, उनके शासनकाल में पूरी तरह से जनता सुकून में रह रही थी और कोई भी किसी प्रकार की ना तो भेदभाव था ना कोई यहाँ पर विकास कार्य की कहीं पर कोई तकलीफ थी। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक चुन करके गए, इन लोगों ने केवल अपने कोल्ड बनाने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने का काम किया, पेट्रोल पम्प बनाने का काम किया, निजी बड़े बड़े होटल बनाने का काम किया। ये लोगों ने जनता के, गरीब जनता के धन को लूटने का काम किया। कहने का मतलब ये है कि जनता के लिए जो विकास कार्य होना चाहिए, इन्होंने विकास तो किया है लेकिन अपना निजी विकास किया है। और इनकी प्लानिंग भी फिर से है भाई, एक बात बता दो, जो आदमी 3-3 करोड़ में टिकट खरीद के ला रहा हो, 2.5-2.5 करोड़ में टिकट खरीद के ला रहा हो, वो आदमी विकास कैसे कर पाएगा? पहले वो अपने ब्याज लगा करके निकालेगा ना, उसके बाद में तभी तो विकास करेगा। तो पहला विकास उसका ये है कि भैया मेरे 2 कोल्ड हो चुके हैं तो तीसरा भी बनना चाहिए। तो ऐसी देखिए, गांव-गांव जा रहे हैं, जनता में पूरी तरह से बदलाव है और जनता जागरूक है। जनता ने अब फैसला कर लिया है कि हम लोग अब इस बार नए चेहरे को चुन करके लाएंगे, उसमें आप लोगों के आशीर्वाद से, सभी जनता के आशीर्वाद से जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ सभी लोगों का रुझान है। आज किन गाँव में जनसंपर्क किया? देखिए, आज हम लोग गोबरौट, कटपुरा, खरगपुरा, बाबरपुर, इन गांवों में आज दौरा कर रहे हैं और भी हमारे तमाम गांव बाकी हैं। अभी शाम तक हम लोग करीब करीब एक दर्जन और गाँव में दौरा करेंगे और काफ़ी अच्छा उत्साह है लोगों में, नौजवानों में ज़्यादातर।